टाइट भी है, मतलब 2-3 दिन पुराना है, तो इसमें दर्द दर्द तो काफी होगा। हाँ जी, निकालती बार भी काफी दर्द होगा, काफी दर्द होगा, बहुत कसा हुआ क्योंकि पैरिस का एकदम से बिल्कुल। कौन से रेस्क्यू पे जा रहे हैं? चंबी से अभी कॉल आई थी कि किसी कुत्ते का कैट ट्रैप में फंस गया, तो उसका रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। ओ चला गया। हमें डेजी के बारे में चंबी से कॉल आई थी कि उसका पैर बहुत बुरी तरह एक शिकंजे में फंस गया है। तो हिमाचल में लोग ये जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए ऐसे शिकंजे काफ़ी लगाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इसमें ज़्यादातर कुत्ते और गाय फंस जाते हैं। तो जब हम डेजी को फार्म पे लेके आए तो शिकंजा इतनी बुरी तरह फंसा था, तो हमें दिख रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा पेन में थी। सबसे पहले उसका पेन कम करने के लिए हमने उसे पेन किलर्स दिए, और इतनी घबराई हुई भी थी तो हमने सोचा कि उसको थोड़ा शांत करने के लिए हम उसे एनेस्थीशिया भी दे दें। जब वो थोड़ी शांत हो गई तब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हम शिकंजा कैसे निकालें। तो शिकंजा उसकी हड्डी तक पहुंच गया था, तो इसमें डॉक्टर अंकित, साहिल और अमित एक साथ मिलके ये सोच रहे थे कि बिना हड्डी को डैमेज किए हुए शिकंजे को आराम से कैसे निकालें। निकालती बार भी काफी दर्द, काफी दर्द, बहुत कसा हुआ है पैरिस का एकदम से बिल्कुल। तो हमने खूब सारे अलग अलग तरीके ट्राई किए कि हम शिकंजे को कैसे निकालें, और काफी कोशिशों के बाद हम फाइनली शिकंजा निकालने में कामयाब रहे। ये काट लो इसको और फिर हटाओ। इस हफ्ते एक अच्छी बात ये हुई कि मस्तराम अडॉप्ट हो गया। मस्तराम को मानसी पीपल फार्म 2 महीने पहले लाई थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। हम उसे पालमपुर एक्सरेज के लिए लेके गए, जिससे हमें पता चला कि उसकी फीमर, मतलब उसके थाई के हड्डी में फ्रैक्चर था। तो उस हिस्से में प्लास्टर लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन पपी होने के कारण ये काफ़ी जल्दी हील हो जाते हैं। तो सिर्फ हमने 1 से 1.5 महीने उसे केज रेस्ट पे रखा, जिसके बाद वो कम्प्लीटली हील हो गया। पहले रॉबिन एक फेसबुक लाइव वीडियो कर रहे थे जिसमें यूजुअली वो सब जानवरों को दिखाते हैं, तो उस वीडियो में उन्होंने मस्तराम को भी दिखाया था। सो यही लाइव वीडियो देख के अभिषेक जी, जो शाहपुर से हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको मस्तराम को ही अडॉप्ट करना है। जब हमने अभिषेक जी से बात की तो हमें पता चला कि उन्होंने पहले भी एक देसी डॉग अडॉप्ट किया है। तो ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनरली जब लोगों को डॉग्स अडॉप्ट करने होते हैं तो सोचते हैं कि उनके गोल्डन रिट्रीवर चाहिए, उन्हें डालमेशियन चाहिए, लेकिन बेचारे जो सड़क पे कुत्ते पड़े होते हैं उनको तो कोई अडॉप्ट करता ही नहीं है। तो इसी वजह से उनकी पॉपुलेशन सड़क पे बढ़ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और मस्तराम जैसे केसेस और बढ़ जाते हैं। तो अभिषेक जैसे लोगों की वजह से एक तो बेसहारा जानवरों की जिंदगी बच जाती है और हमारा ये काम करने का मनोबल भी बढ़ जाता है। Bye. Bye. Bye.
तो जब ट्रैप निकल गया था तो उसके बाद जो है हमने जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने फर्स्ट एड के लिए उसको यूज़ किया। हमने जो है बेसिकली उसका जो घाव था, उसका जो वून था, उसको एनएस से बिल्कुल साफ़ किया। उसके बाद हमने बीटाडीन सॉल्यूशन को यूज़ किया, फिर हमने ऑइंटमेंट को यूज़ किया। और जब हमने देखा कि ये काफ़ी पुराना ट्रैप है, लाइक 2 or 3 days उसको हो चुके थे, तो नेक्रोसिस हो चुकी थी स्टार्ट। तो उससे क्या हुआ, जो स्किन थी उसकी वो निकलना स्टार्ट हो गई और उसकी बोन जो है बिल्कुल साफ़ आ गई। तो हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने उसकी पैडिंग करना स्टार्ट किया ताकि बोन जो है उसमें इंजरी ना हो सके। साथ में हमने उसको एंटीबायोटिक्स के लिए भी रखा, अमोक्सी के लिए रखा, क्योंकि ऐसी जगहों पे ऐसी इन्फेक्शन में जो है कई बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उसका खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड डे हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को सेम रखा, पहले उसकी क्लीनिंग की प्रॉपरली, उसके बाद जो हमने उसको बीटाडीन सॉल्यूशन साफ किया, फिर उसमें हमने ऑइंटमेंट लगाना स्टार्ट किया, फिर हमने उसकी पैडिंग की, बैंडेज की। द प्रॉब्लम इज डॉग जो है बहुत शाई है, वो एकदम से फियरफुल नेचर का है, डर जा रहा है एकदम से, तो इसलिए जो है वो बार बार भागने की ट्राई कर रहा है। तो हमें जो है कैनल के अंदर ही ट्रीटमेंट करना ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि अगर वो बार बार इधर उधर भागेगा तो उसकी इंजरी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी फ़िलहाल जो है कुछ टाइम तक हम उसकी इंजरी को जो है उसकी रिकवरी को हम इसी तरह से करते रहेंगे, एंटीबायोटिक्स के साथ, उसकी क्लीनिंग के साथ, ड्रेसिंग के साथ, और ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी जो उसकी स्किन है ऊपर की वो आ जाए। तो जैसे ही इसकी इंजरी रिकवर करती रहेगी, हम आपको जो है इसके लिए अपडेट करते रहेंगे। Ah.